हेलो फ्रेंड्स, जय माँ बगला मुखी जैन वासी। देखिए आज शक्तियाँ, मैंने कहा है उनको भोग लगने वाला है। भोग लगने के बाद 11 बजे के बाद वो सभी जो भी पूजा में बैठने वाले वो 12 से 1 के बीच में बैठेंगे। एक्चुअली 11 से 12 का टाइमिंग था, लेकिन नहीं, 12 से 1 के बीच में बैठेंगे। और जिन लोगों के अंदर बहुत तबीयत खराब है या जैसे लकवा मारा है शरीर पे सफ़ेद दाग है या कोई भी चीज़ें हैं, 2 से 3 बजे, सिर्फ 1 घंटा भेजना है, 2 से 3 बजे के अंदर शक्तियाँ आके उनको स्पर्श करेंगी। मंत्र मैं दे दूंगी। आज भी कोई अगर शक्तियों का काम चालू करा तो उसे मंत्र मिल जाएगा और उन्हें चीज़ें भी मिलेंगी, क्योंकि शक्तियाँ हाजिर होती है। जैसे अभी दिशा के पास बैग हाजिर हुआ है, लेकिन वो सब चीज़ें होती है, लेकिन शक्तियों का भोग देना बहुत ज़रूरी है। आप कहते हैं शक्तियाँ हाजिर करो, जब शक्तियाँ हाजिर हो जाएंगी, अगर आपके घर पर कोई मेहमान आया और आप उनका अनादर करेंगे, खाना नहीं खिलाएंगे, तो शक्तियाँ क्या करेंगी? शक्तियों को कुछ समझ में नहीं आता है, वो गलत भी कर सकती हैं। अब आज रात को बैठना है तो फिर से सारा इंतज़ाम नहीं करना है। आज रात को सिर्फ आपको एक साफ आसन लेना है, खुशबूदार इत्र लेना है, 5 अगरबत्ती लेना है और साफ सुथरे कपड़े पहने। इत्र को अपने बदन पे मल लीजिए। एक रूम में बैठिए, एकांत में, साफ पश्चिम दिशा अपना चेहरा होना चाहिए और एक साफ कपड़े पहन के आपको एक आसन पे बैठ जाना है। सामने एक थाली रखनी है, थाली में 5 अगरबत्ती या 7 अगरबत्ती लगानी, अगरबत्ती का पैकेट साइड में रखिए कि जब भी रात को जैसे अगरबत्ती खत्म हो, 1 घंटा आपको कंटिन्यू बैठना है। और कंटिन्यू बैठने पे जो मंत्र मिलेगा, जो मंत्र मैं दूंगी, उसको आपको बोलते जाना है। उसके बाद ऐसा होगा कि शक्तियाँ आपको सामने से मंत्र देंगी, जिन्होंने पहले से किया है उनको मंत्र देंगी, उनको मतलब मंत्र दिखाई देंगी। आप जो लॉ में देखोगे ना, लॉ में ही आपको मंत्र लिखा हुआ आएगा, साथ में कुछ नंबर लिखे हुए आएंगे, फिर उसके बाद सेफ्टी लिखी हुई आएगी कि आपको कैसे क्या करना है, ये बात है। बाकी आज जिसने शक्तियों का अपमान किया उनकी तो बैंड बजने वाली है। और 72 घंटे के हिसाब से बहुत लोगों को सज़ा मिली, लेकिन एक बात बोलूँगी कि शक्तियों के चक्कर में झूठ नहीं बोलना है। देखो मैं भले सुबह गुस्से में हो, लेकिन मेरी माँ भी आज पूजे पे लगी है, उन्होंने भी बोल दिया नहीं करना है किसी को, हमने थोड़ी मांगने आए थे, आप देने आए थे। उसके बाद भी अगर आप ऐसी हरकतें करोगे तो बहुत गलत बात होती है। अभी जैसे कि एक जन ने गलती की है, उसकी पूरी हिस्ट्री मेरे पास पड़ी है, उसने किसका किसका नाम दिया था, क्या क्या बोला था, क्योंकि जब लोग हमारी वीडियो बना के अपलोड करके हमें नाम खराब कर सकते हैं, तो हम तुम्हारी पर्सनल चीज़ें भी बराबर यूट्यूब पर बता के तुम्हारी बैंड बजा सकते हैं, ऐसी बात है। तो देखिएगा, कल तो नहीं, मेरी माँ ने कहा है कि जिस आदमी ने ऐसी हरकत की उसकी वीडियो, उसकी पूरी डिटेल्स के साथ मंडे को उसकी वीडियो अपलोड की जाएगी यूट्यूब पर। अब वो 1,50,000 फ़ोन करे, जो करे, उसकी गलती, क्योंकि ऐसी माफ़ी नहीं है, क्योंकि शक्तियाँ साक्षात दर्शन देती। चलो जाने दो, उसकी देखेंगे। आप में से जो भी कोई बीमार है, जो भी कुछ है, शक्तियाँ उनको ठीक करने की ताकत रखती हैं, ऐसी बात है, ये है। तो अभी आपको देखो क्या करना है। अगर आपको लगता है शक्तियाँ चाहिए, अपना नाम, फोटो, एड्रेस भेजिए, खर्चा भेजिए, आपको तुरंत मिलेगा। मारण मोहन वशीकरण का काम तक वो शक्तियाँ कर सकती हैं। कहीं ज़मीन में खजाना है कुछ, एक बार आपको मंत्र मिला ना, तो मंत्र मिलने के बाद आपको मैं आगे का प्रोसीजर बताऊंगी कि जब भी उससे सवाल जवाब करना हो, देखो दिए की रोशनी में, एक बत्ती की रोशनी में, मोमबत्ती की रोशनी में, जैसे जिन आपको दिखा है वैसे मोमबत्ती की रोशनी में आप सब पता कर सकते हैं। सामने वाला इस बार बैठ के क्या कर रहा है, खाना खा रहा है, बाथरूम के लिए बैठा है, उठ रहा है, सो रहा है, किसी के साथ सो रहा है, किसके साथ बात कर रहा है, किसको देख रहा है, सब कुछ एकदम पिक्चर के जैसे आपको दिखाई देगा। उसके बाद आपको वो सारी चीज़ें बस उस वक्त ही दिखाई देंगी, 24 घंटे नहीं। फिर आपको जब भी किसके बारे में पता करना हो, दिए की रोशनी के जरिए देख सकते हो। कुछ कहीं खजाने के बारे में पता करना है, वो देख सकते हो। सामने वाला बंदा कहाँ है वो देख सकते हो। बहुत सारी चीज़ें देख सकते हो। प्लस एक और ताकत मिलती है, अगर आपसे कोई बंदा आपसे झूठ बोलता है, अगर आपको पता चले कि बंदा आपसे झूठ बोल रहा है, तो सारी ताकत आपको पता चलेगी कि ये बंदा आपसे झूठ बोल रहा है। कितने लोग होते हैं मुँह के बड़े मिठ्ठे होते हैं और बाद में ऐसी हरकतें करते हैं, वो झूठ बोलते हैं, उनका झूठ उन्हीं के सर पर आएगा, ये बात पक्की है, ये देख लीजिएगा। क्योंकि झूठ नहीं बोलना चाहिए, 100 झूठ से 1 सच अच्छा होता है, झूठ नहीं बोलना चाहिए। अभी जैसे कि अभी हम लोग भी जो भी हम लोग काम कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, मैं कुछ लोगों को बोलूँगी कि कुछ लोगों को मैं नहीं अच्छी लगती, लेकिन मेरे पैसे बड़े अच्छे लगते हैं, है ना। अभी उनको कहीं घूमने जाना है, दर्शन करने जाना है, सब कुछ जाना है, एटलीस्ट गाँव जाना है, तो क्यों भाई हमारा पैसा क्या झाड़ पे हराम का लगा हुआ है, हम नहीं चाहिए, हमारी चीज़ें बरोबर चाहिए, हमारा पैसा बरोबर चाहिए। चलो जान दो, उससे हमको मतलब नहीं, कुछ बड़ा करने वाली हूँ। अभी आज रात को दर्शन होगा। जहाँ तक बुक फटने की बात हुई थी, जो मेरी मंत्रों की बुक फाड़ी गई थी, मुझे अभी तक दिल पे लगी, क्योंकि मैंने उस मंत्रों पे बहुत मेहनत की थी। सबसे बड़ी बात, किताब फाड़ना मतलब अपने ऊपर कर्जा लेना होता है, कभी भी पन्ने नहीं फाड़ने चाहिए। जो इंसान कागज को फाड़ता है, वो नोटों को फाड़ता है, वो विद्या का अपमान करता है। जो लोग विद्या का अपमान करते हैं ना, वो आजीवन बुद्ध कहते ना, भगवान उनको मति उनकी भ्रष्ट कर देते हैं, उनकी मति कभी चलती नहीं। लेकिन ये बात पक्की है
मेरे सामने अभी तक तो कोई आया नहीं कि जिसका है, लेकिन मैंने यही बोला है शक्तियों को कि सजा ऐसी मत देना जिस तरह तुम्हारे, क्योंकि देखो जिस पन्नों पे सूरज जिन लिखा था वो पन्ना होता है चेहरा, जिन्नात का चेहरा, उस चेहरे पे डॉगी का शी पोछा गया है। अगर अभी आप, आपके चेहरे पे कोई शी मारेगा या आप गोबर में गिरोगे, आपका चेहरा गोबर में गिरेगा तो कैसा लगेगा आप बताओ, अभी देखना यही होगा। जिसने ये हरकत की ना उसका पूरा चेहरा सड़ेगा, आधा चेहरा तो पूरा संडास के जैसा सड़ जाएगा, इतना गंदा ना कि फोड़ियाँ निकल निकल के पानी निकलेगा, जो देखेगा उल्टी कर देगा उसका। ऐसे मुझे उस इंसान को देखना, सज़ा देनी है। मुझे नाम भी पता चल गया है, हाजिता ने बता दिया है, लेकिन उसको वो सज़ा दिए बगैर मैं छोड़ूंगी नहीं। ये गलत बात है, मेरे को बहुत बुरा लगा है क्योंकि मेरी चीज़ें मुझे नहीं पसंद है। मेरा कहना है कि अगर आप किसी के पास हो कोई भी चीज़, उनकी चीज़ें छूने से पहले, बोलने से पहले पूछना चाहिए 10 बार कैसे करना है, क्या करना है। बुक फाड़ दिया, अरे उसमें मंत्र लिखे थे, 10 साल पुरानी मेहनत की हुई मेरी बुक थी, वो पन्ना नहीं सड़ा था। हालांकि जिसने भी ये हरकत की वो इस वक्त हमारे घर पे है नहीं, लेकिन जो हरकत की सज़ा तो मैं उसको दूंगी, पूरा मुंह सड़ाऊंगी। अब ये देखना है कौन है, क्योंकि मैंने ये तो देखा है कि दिवाली की रात को जब मैंने दर्शन किया तो मेरी शक्तियों ने बहुत बहुत अच्छा रिजल्ट दिया, सबको दर्शन दिया। तो आज मैं अपने सुल्तान से कहूँगी कि बाबू जब तूने रिजल्ट दिया है ना तो मुझे पूरा रिजल्ट दे, मुझे पूरी तरह से इंसान को सामने ला। ऐसा जिनका मारण क्रिया किया था उनकी भी हालत ख़राब हो चुकी है, उनको कभी भी रिजल्ट आ जाएगा, क्योंकि एकदम से शक्तियों ने कहा माँ अगर एकदम से मारेंगे तो आप पर नाम आएगा, मरने दीजिए। आदमी अंदर से 90% मर चुका है, 10% बाकी, देखिए हम सबका क्या करते हैं। ऐसी बात। और दूसरी बात, मेरे से घमंड ईगो करने से आप अपना ही बुरा करेंगे, मेरा कुछ नहीं फ़र्क पड़ता है, ये बात तो मैंने जान ली है। कुछ लोगों को मुझे बराबर करना है, कुछ लोग मेरे साथ रहते खाते पीते उठते उन लोग भी मेरे सामने अकड़ दिखाते हैं, कोई बात नहीं, अकड़ दिखाने से मेरा कुछ नहीं बिगड़ेगा। ये होगा कि मैं ऐसी हूँ कि जब मुझे दिमाग में लगेगा कि भाई ये आदमी, आदमी के अंदर ईगो ज़्यादा है, तो भाई जयराम जी की तुम अपना ईगो लो के अपने घर पे जाओ, मैं अपना मैं अपनी बदतमीजी लेके अपने घर पे रहती हूँ। ऐसी बात है, इसलिए बोल रही हूँ। और एक और बात, विद्या देवी नहीं चाहिए तो विद्या देवी के पैसे क्यों चाहिए, क्या ज़रूरत, क्या है, क्या ज़रूरत है मेरे केशव के पापा को फ़ोन कर करके पैसे मांगने का, नहीं मांगने का ना। केशव के पापा भी, प्रदु भी मेरे हैं, मैं उनका पैसा भी, मेरा पैसा उनका ही पैसा है, लेकिन उनका पैसा सिर्फ उनके लिए है। क्यों भाई, मैं अच्छी नहीं लगती हूँ, मेरी चीज़ें अच्छी नहीं लगती, लेकिन मेरे प्रदु से पैसा मांगना अच्छा लगता है। क्यों, तुम्हारी खुद की, तुम लोग की खुद की इतनी औकात नहीं कि तुम लोग कुछ कर सको, करो भाई, तुम्हारे और 2 जवान बेटे हैं उनसे मांगो, तुम्हारी बहू से मांगो, तुम्हारी बहू के अंदर बहुत ईगो है जो मेरे लिए जाके शमशान की राख ला ला के खिला के मेरे प्रदु को खिलाते, उनको शर्म नहीं आती मांगते वक्त। हाँ, हमारा सब कुछ चाहिए, हम नहीं चाहिए तो मुझे भी क्या है, मुझे भी मेरा प्रदु चाहिए, लेकिन मुझे तुम लोगों को कुछ नहीं देना है, रहेगा तो भी नहीं दूंगी मैं। और चला भी क्या गलती से, मेरे प्रदु ने चुपके से दे भी दिया तो समझ लेना वो चीज़ें बीमारी में ही जाएंगी, 1 रुपया भी हजम नहीं होगा, ये बात पक्की है, क्योंकि जैसा किया वैसे तो भरना ही पड़ेगा। बस मैं तो मुँह पर बोल रही हूँ, बुरी लग रही, बुरी लगे क्योंकि मुझे भी बुरा लगता है जब मेरे साथ कोई ऐसा हरकत करता है, तो बस देखें क्या होता है। ऐसी बात है, बाकी आज शक्तियाँ मंत्र देने वाली, जो तरीका बताई वो ट्राई कीजिए, मंत्र मिलेगा मुझे बताइए, मंत्र मत बताइए जितने ग्रुप वाले हैं, जितने लोग, एक और बात, जितने लोग शक्तियाँ लेके उनका बाल भोग का ये सब काम नहीं कर रहे हैं, तो एक बात याद रखिए, शक्तियाँ ही पैसे देती हैं। जब आप शक्तियों तक उनका बाल भोग सब नहीं पहुँचाओगे ना, तो वो आप तक कोई गिफ्ट नहीं पहुँचने देंगे, 1 रुपया नहीं आप तक पहुँचने देंगे, ये याद रखिएगा। अगर आपकी चीज़ें, कभी कभी होता है ना, आपकी चीज़ें आप तक पहुँचते पहुँचते आग लग गया, ब्लास्ट हो गया, बारिश आ गई, बाढ़ आ गई, सामान बह गया, कितनी जगह ऐसा हो जाता है, देखते हो ना, कभी कभी प्लेन क्रैश हो जाता है, कुछ भी हो जाता है, ऐसा कुछ भी हो जाएगा। ऐसी बात है, आप किसी के लिए मारण क्रिया करवाते हो और मारण क्रिया करने के बाद अगर शक्तियों का भोग नहीं देते हो तो आपके भी घर में आपके बच्चे हैं, पति, वो चीज़ आप पर पलट के आएगी, क्योंकि आप एक तो उसको काम दे रहे हो घर में और उनको देखो आप पे ही आएगी। अभी जैसे अभी हम लोग महिला मंडल खड़ा करते हैं, किसी को मारने के लिए भेजेंगे, अब भगवान अगर भी उन पर पुलिस वुलिस का केस आया तो अगर मैं उसको बचाने नहीं जाऊँगी तो मेरे ऊपर ही आएगा ना, मैं ही मरूंगी ना। ऐसी बात है, तो जो जैसा करेगा वैसा भरेगा, देखो क्या होता है। आज की रात के बाद तो और कमाल होने वाला है। बस जय माता दी।